तो दोस्तों वहाँ आप देख सकते हो ब्लैक शर्ट में आनंद महिंद्रा है, या यू कैन सी हिम वॉकिंग ओवर हियर। चलो कोई तो दिखा। पीछे मेरे कार रखी हुई है, वही कार, इलेक्ट्रिक कार जो यूज होती है रेस में, वो दिखाता हूँ। वेलकम है नए व्लॉग में, और ये व्लॉग मैं गारंटी कर सकता हूँ इंडिया में पहला ही बन रहा होगा, क्योंकि ये इवेंट ही इंडिया में पहला हो रहा है। ग्रीन को हैदराबाद ईप्रिक्स सिटी के बीचों बीच आज फॉर्मूला वन रेसिंग होने वाली है। ऑफकोर्स फॉर्मूला वन नहीं है, बट फॉर्मूला ई है। गाड़ियां वैसी ही है, बस ईवी गाड़ियां रहेगी। वेरी ग्रैंड इवेंट, एंड मैं यहां पर आ गया हूं अपनी टिकट्स कटवा के, चेकिंग करके। मैं एक्सपीरियंस करने वाला हूं, आप लोगों को एक्सपीरियंस करवाने वाला हूं। यहां पर फैन विलेज भी है मेरे पीछे, वो भी अभी दिखाऊंगा। चाहे इस वीडियो को पूरा देखना, बड़ा मजा आने वाला है। दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ इट्स काइंड एक्सपीरियंस। तो ये देखो, हम नेकलेस रोड पे हैं अभी, एंड यहाँ पर है अलायंस फैन विलेज। तो एक पूरा विलेज बनाया है इन्होंने, जहाँ पर अलग अलग चीजें एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। वहाँ पर गाड़ी भी रखी हुई है। अभी मैं पीछे से टिकट चेक करवा के आया हूँ अपनी वहाँ से, एंड नाउ वी आर गोइंग टू गेट इनसाइड। दिस भीड़ बहुत दिख रही है, थोड़ा सा लेट हो गया मैं आने में। अंदर जाके एक्सपीरियंस करते हैं और आपको भी करवाते हैं। वी आर एंटरिंग इनटू अलायंस फैन विलेज, एंड बाहर देखो दिया गया है एबीबी फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप। सो दिस इज अ वेरी बिग इवेंट, पूरे वर्ल्ड वाइड में होता है। जैसे फॉर्मूला वन रेसिंग होता है, वैसे ही फॉर्मूला ई रेसिंग भी होता है। हियर आर ऑल द ड्राइवर्स, ऑफकोर्स नॉट वेरी पॉपुलर एटलीस्ट इन इंडिया। F1 काफी पॉपुलर है, बट दिस इज फर्स्ट टाइम दैट दिस इवेंट इज हैपनिंग इन इंडिया। सब बड़ी बड़ी ब्रांड्स गाड़ियां हैं यहाँ पे, पोर्शा है, जैगुआर है, मैक्लारेन है, महिंद्रा है इंडिया की। सो दैट इज समथिंग इंटरेस्टिंग। यहाँ पर देखो बड़ा सारा बैनर लगाया गया है। हैदराबाद में काफी सारे दिनों से इसका हाइप चल रहा था, एंड अभी वी आर हियर टू विटनेस दिस। 200 माइल्स पर आर की स्पीड से गाड़ियां चलती है, भाई साहब मजा आने वाला है। ये है फैन विलेज की एंट्री और फर्स्ट व्यू। अलग अलग पोडियम्स बनाए गए हैं, वहां पर एक फॉर्मूला ए की गाड़ी लगाई गई है, लोग नीचे बैठकर खाना खा रहे हैं, कुछ भी चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे बच्चों का खेलने का सामान है, डेकोरेशन देखो मस्त किया हुआ है, एंड वहां पे फैन स्टोर भी है। मे बी दे आर सेलिंग सम मर्चेंडाइज, लेट्स गो एंड चेकआउट वहां पर क्या हो रहा है। एंड अंदर भी टेंट्स में भी चलते हैं हम लोग। यहाँ पे गेमिंग जोन बनाया गया है, जहाँ पर आप एक्चुअली फ्री में एक्सपीरियंस कर सकते हो कि कैसा लगता है एक रेसिंग कार में बैठना। यहाँ पर देखो मज़राटी, एंड यू कैन एक्चुअली सी लाइक अ ड्राइवर। आई एम श्योर दिस हैज हैप्टिक फीडबैक, जहाँ पर सीट वीट मूव होगी, एंड स्टेयरिंग व्हील भी वही कंट्रोल्स है जो वहाँ पर रहेंगे। अभी ऑलमोस्ट क्लोज होने वाला है 2:30, बिकॉज रेस स्टार्ट होने वाली है। मैं वापस 4:30 आकर एक्सपीरियंस करने की कोशिश करूंगा, बट काफी अच्छा बनाया है यहाँ पर, इंटरेक्टिव इमर्सिव वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग की एक फॉर्मूला ई की गाड़ी में बैठकर आपको कैसा लगता है यहाँ पे। तो फैन विलेज से निकल के आ गया हूँ मैं, वहाँ पर बंद होने वाला था 2:30, बिकॉज यहाँ पर रेस 3:30 स्टार्ट होगी, सो दे वर शटिंग दैट डाउन। 4:30 वापस चालू करेंगे, जो तो बाकी बच गए थे उसका कवरेज बाद में करेंगे हम लोग। अभी स्टैंड की तरफ जा रहा हूँ, वॉकिंग बहुत है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, भीड़ बहुत है यहाँ पर। आई डेंट एक्सपेक्ट सो मेनी पीपल टू टर्न अप, बट देन इट्स फिल्ड। यहाँ पर आ गए हूँ मैं अपने स्टैंड पर, स्टैंड नंबर 14। ऑलरेडी भीड़ बहुत है, लाइन में लगी हुई है, गाड़ियाँ यही है। सो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, इसके पीछे ऊपर जाने के बाद दिखेगा हम लोगों को, तो आई विल शो यू दैट व्यू एज वेल। मैं आ गया हूँ अपने स्टैंड पर, यहीं पर से स्टार्ट होने वाला है रेस, एंड यहाँ पर आप गाड़ी देख सकते हो। अभी थोड़ी देर पहले हमने युजवेंद्र चहल और उसकी वाइफ को यहाँ से जाते हुए देखा, और भी थोड़े बहुत क्रिकेटर और स्टार्स आए हुए हैं शायद, बट हियर आर दी व्हीकल्स। उतना अच्छा व्यू तो नहीं आ रहा यहाँ से, क्योंकि सब जालियाँ लगी हुई है, बट दिस इज वॉट इट इज। एंड जब गाड़ियां जाएगी होपफुली फास्ट, तब कुछ दिखेगा, बट द स्टैंड इज ऑलमोस्ट फुल इस तरफ। आगे और भी है, वो खाली है, बट वहां से तो कुछ व्यू ही नहीं आने का है, और पूरे ट्रीज है ऊपर से, तो एज इट इज द व्यू इज ब्लॉक्ड। सो लिटल डिसअपॉइंटेड ऑन द व्यू फ्रंट। वहाँ ऊपर से फिर भी देख सकते हैं लोग, बट हमको वहाँ एक्सेस नहीं है, क्योंकि वो दूसरे लाउंज का एक्सेस एरिया है। तो थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पर उनकी जो पूरी क्रू है। अगर आप लोगों ने F1 देखा है, F1 रेस, वो भी ऐसा ही रहता है, गाड़ियाँ रहती है, एंड उसके साथ क्रू, कैमरामैन, अम्ब्रेला पकड़ के 2-3 लोग बात करते हुए रहते हैं। अभी रेस चालू होने में टाइम है, 3:30 इज़ द ऑफिशियल टाइम, बट देन प्रिपरेशंस ऑलरेडी बिगिन। ऑफकोर्स जो क्रू है वो ऑलमोस्ट सभी फॉरेन के क्रू मेंबर्स है, वेरी फ्यू इंडियंस आउट देयर, क्योंकि उतना पॉपुलर स्पोर्ट नहीं है, बट होपफुली इट गेट्स पॉपुलर। इट्स वेरी एक्सपेंसिव एक्चुअली कार रेसिंग करना। यहाँ पर देखो आपको कार दिख रही है। तो दोस्तों वहाँ आप देख सकते हो ब्लैक शर्ट में आनंद महिंद्रा है, या यू कैन सी हिम वॉकिंग ओवर हियर। चलो कोई तो दिखा। एंड महिंद्रा की भी गाड़ी है यहाँ पर, एंड दैट इज़ अ वेरी बिग डील फॉर इंडिया। ऑफकोर्स आनंद महिंद्रा इज अ लेजेंड, एवरीबडी नोज हिम, एंड हियर ही इज इन ब्लैक शर्ट। पीछे आप देख सकते हो मेरे कार्स, यहाँ पर महिंद्रा की है। 3:03 का मुहूर्त निकाला गया है रेस चालू करने के लिए,
तो अभी 5 मिनट में रेस चालू होने वाली है। थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है क्योंकि यहाँ से कुछ दिख नहीं रहा, बराबर से ट्रीज है और ये बीच में पॉप्सिकल्स लगाए हुए हैं, ऊपर से ग्रिल है। अभी देखते हैं रेस चालू होने के बाद क्या सीन रहता है। एंड अब स्टार्ट होने वाला है रेस, वी आर ऑल सेट फॉर द बिगनिंग। यू कैन सी पूरा सर्किट जो है खाली हो चुका है, ओनली द ड्राइवर्स विद देयर कार्स, एंड वहां पर रहेगा उनका सिग्नल वेयर दे स्टार्ट ऑफ द रेस। बट देन हियर इट इज, कार्स आर रेडी, एवरीबॉडी शुड बी सिटिंग डाउन, एंड यस हियर वी गो, हियर वी गो। तो अब देखो गाड़ियां तो निकल गई, अब वेट 3.5 किलोमीटर का सर्किट है, तो आई एम श्योर 2-3 मिनट तो लगेंगे उनको वापस आने में। तब तक कुछ नहीं है करने को यार, मतलब लोग F1 जो लाइव देखने जाते हैं वो बोर नहीं हो जाते होंगे क्या? कुछ नहीं है करने को, बस बैठ के एक दूसरे को देखो और हंसो। तो एक पूरा सर्किट ये लोग अराउंड 2 मिनट में कंप्लीट कर रहे हैं। अच्छा मजा आता है जब गाड़ियां निकलती हैं, यहाँ पर सीटी मारने वाली आवाज आ रही है, बट इट्स अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, आई थिंक 1-2 सेकंड में वो लोग निकल जाते हैं। थोड़ा यहाँ साइड साइड में दिख रहा है, बट सम हाउ द फील इज गुड जब वो गाड़ियां निकलती है। लेकिन रेस में अब वही सर्किट हो रहा है बार बार, तो मैं यहाँ पर फैन जोन में आ गया हूँ ताकि खाली मिले और आप लोगों को फैन जोन का पूरा व्यू दिखा सकूं। पीछे मेरे कार रखी हुई है, वही कार इलेक्ट्रिक कार जो यूज होती है रेस में, वो दिखाता हूँ और पूरा फैन जोन दिखा देता हूँ आप लोगों को। यह देखिए कार कितनी स्लीक एंड द एरोडायनामिक्स, द वे इट हैज बीन मेड, इट्स सो ब्यूटीफुल, इट्स अ मीन मशीन। यहाँ पर आप देखो अंदर, आई मीन द ड्राइवर हैज टू सिट हियर, F1 का सोचो 3 घंटे वो लोग बैठते हैं, 2-3 घंटे फॉर 80 लैप्स, इट इज सो कमरसम। ये थोड़ा छोटा रेस है, आई थिंक आधे घंटे 40 मिनट्स में हो जाना चाहिए ये रेस कम्प्लीट, बट दिस इज द कार। कभी तो चलाए होपफुली अपन भी, ब्यूटीफुल। हैदराबाद में रहते हैं, यहीं पीछे हुसैन सागर लेक है, ये नेकलेस रोड है बेसिकली। यहाँ पर आप देख सकते हो महिंद्रा की पूरी टीम है, महिंद्रा का भी कार है, महिंद्रा इज अ पार्टिसिपेंट इन दिस रेस, एंड आई हैड शोन यू आनंद महिंद्रा हमें दिखे थे, युजवेंद्र चहल भी दिखे, लेकिन वो मैं इंस्टाग्राम पे क्लिप डाल दूंगा आर्यन बैद ऑफिशियल पे। यहाँ पर अभी खाली है पूरा फैन विलेज, थोड़ी देर में भर जाएगा वंस दी रेस इज डन। वहाँ पे पोर्शा की भी गाड़ी है, सो आई विल शो यू दैट एज वेल क्विकली। यहाँ अपने देसी पेविलियन में लेके चलता हूँ आपको, XUV 400, एंड ये महिंद्रा की गाड़ी है। ये गाड़ी भी जबरदस्त दिख रही है यार, जो हमारे सामने थी अंदर स्टैंड पे, यही वो गाड़ी थी, दिस इज द महिंद्रा कार। आई डोंट नो स्टैंडिंग में वो लोग कहाँ आए हैं, बट यू कैन सी अरे वाह, अर्नेस्ट एंड यंग। यहाँ पर मैं पहले काम करता था, 18 पुमा का, इंडिया फर्स्ट एवर डेसिडो रेस का मैं भी एक पार्ट था। टू बी ऑनेस्ट जो स्टैंड्स थे वहाँ पर उतना मजा नहीं आया मुझे, क्योंकि व्यू उतना अच्छा नहीं था, बट वहाँ पर जो लोग थे वो यही बोल रहे थे कि यार F1 में भी ऐसा ही दिखता है, बट एटलीस्ट थैंकफुली इट वॉज अ कोलैबोरेशन, आई डिडंट हैव टू पे फॉर द टिकट्स, इट वॉज अ 10,000 रुपीज स्टैंड दैट आई वॉज सिटिंग इन, बट आई डिडंट हैव टू पे, सो दैट वॉज फाइन। उस हिसाब से बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस। ये फैन जोन है पूरा, अब मैं वापस जा रहा हूँ घर, जल्दी पहुंच जाते हैं, अदरवाइज ट्रैफिक वुड बी टेरेबल यहाँ पर। आपको कैसा लगा ये छोटा सा व्लॉग ऑफ अ कम्प्लीटली न्यू एक्सपीरियंस इन दिस कंट्री, फॉर द फर्स्ट टाइम एवर वी हैव हैड एन ई-प्रिक्स, एंड दैट टू इन द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ हैदराबाद, मेरा शहर है ये। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, एंड क्या आपने भी बाई चांस विटनेस किया था ये, तो अगर आपने विटनेस किया था तो मुझे आपका एक्सपीरियंस भी नीचे कॉमेंट करके बताना। वीडियोज बहुत सारे इस चैनल पर देखते रहना, सब्सक्राइब करके रखना, इंस्टाग्राम पे आर्यन बैद ऑफिशियल। यहाँ पर रेस ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, एंड एक्साइटमेंट सुन सकते हो आप कमेंटेटर का, इट वॉज ग्रेट, हर बार की तरह एक नया एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए। सब्सक्राइब टू दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो, एंड अगली बार तक आपको क्या करना है पता है ना, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एक्सपीरियंसिंग लाइफ।